नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया, सदियों पूर्व समाज में जो कुरीतियां और रीति रिवाज प्रभावित थे उनके विरुद्ध आम लोगों को जागरूक करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो अभियान चलाया था उसी का परिणाम है कि आज हम सब इस भौतिकवादी समाज में सम्मान से जी रहे हैं। महात्मा फूले ने गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उक्त विचार कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुनील बेसारी ने कहा कि आज हम जिन परिस्थितियों में खड़े हैं वह समाज में नफरत के बीज बो रही है और इस बीज को समाप्त करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो अभियान चलाकर समाज को जागरूक किया वह हमें आगे मार्गदर्शक कर रहा है। भौतिकवादी इस युग में युवाओं को महात्मा के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज कल्याण के कार्य करना होगा, तभी हम उनका सपना पूर्ण कर सकते हैं। इससे पूर्व अनेक वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अरे भाई जवारे निकल रहे, हम लोग बाहर बैठे, अनिल मामा भी थे, रामकिशोर भाई साहब भी थे वहां। जब जवारे लेके आ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था, मैं जवारे बेबे थे उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, उनका आस्था को भी मान रहा हूँ और उन सबको भी नमस्कार कर रहा था। उनमें से एक सज्जन ने कहा कि भैया पानी पी लें, तो हमने अपने बेटे को कहा कि पानी पिलाओ सबको, तो वो पानी पिलाने लगे। उसके बाद जब बाद में एक सज्जन आए तो वो पानी ऐसे ओग लगा और ओग लगा के वो पीना चाह रहे थे और जो पानी पिलाने वाला था उसको संकोच लग रहा। ये परिवर्तन तो आया, लेकिन ये परिवर्तन आया कब है? जब इन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए सज्जन को, तब जाके ये परिवर्तन आया। लेकिन अभी भी कितने परिवर्तन की आवश्यकता है आप सोचिए समझिए। धर्म की बात करी जाती है, माँ पीतामरा से लेके मेरी माँ बगलामुखी से लेके फलाने देवता से लेके सब देवताओं को मैं मानता हूँ, पूरे धर्म को मानता हूँ। और मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई धर्म यह नहीं सिखा सकता कि दो इंसान में एक ऊंचा बन जाए और एक नीचा बन जाए, कोई धर्म नहीं सिखाता। और अगर कोई धर्म ऐसा सिखाता है तो ऐसे धर्म को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि शोषण कैसे किया जाए, इसलिए धर्म के आधार पर मूर्ख कैसे बनाया जाए। शोषण करना है एक इंसान को दूसरे इंसान का, शोषण करना है 15 लोगों को 5000 लोगों का, तो कैसे करेंगे? लाठी की दम पे तो नहीं जीत पाएंगे, तो धर्म के नाम की अफीम तुम्हारे दिमाग में ठास देंगे और उसमें सिखा देंगे कि तुम ऊंचे, तुम बीच के, तुम जे बड़े वे और बड़े। अनिल भार्गव हो, चाहे दामोदर यादव, चाहे सुनील बोरसे, चाहे हमारा रवि वाल्मीकि, सारे लोग बराबर है, सारे लोग। और अगर ईश्वर को मानते हो और अगर ईश्वर ने पैदा किया और अगर ईश्वर है तो उसने हमें और आपको एक जैसा पैदा किया है, नहीं तो एक एक का पाव का। आज क्या कार्यक्रम किया था आपने ज्योतिराव फुले जयंती पर? आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती थी, इस अवसर पर हमने दतिया जिले के जिला देगी जो कांग्रेस कमेटी के हैं और उनके निर्देश पर, माननीय कमला जी के निर्देश पर, पूरे जिले के सभी साथियों को बुला के महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती का कार्यक्रम मनाया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सुनील बोरसे जी भोपाल से यहाँ पहुंचे और हम लोगों का प्रयास यह है कि देश के अंदर अगर संविधान को बचाना है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य को बचाना है, किसानों को न्याय दिलाना है, तो पुनः माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह देश प्रदेश के अंदर धर्म के नाम की झूठी राजनीति की जा रही है, आडंबर की राजनीति की जा रही है, उसका अगर कोई जवाब है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब ने जो हमें लाइन दी है, हमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग के मानवतावादी सोच के सभी साथियों को साथ लेकर ये हमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। उसी संबंध में आज सारे साथियों ने यहाँ पर चर्चा की और आंदोलन का क्या कोई डेट वगैरह? फिलहाल तो एक आंदोलन की मैं घोषणा आज कर रहा हूँ, जिला देखी और हम सब साथी बैठे हैं। आप सबको पता है कि 7 माह पहले प्राकृतिक आपदा के रूप में एक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ ने बहुत सारे लोगों को के घरों को उजाड़ दिया था। उसके साथ साथ सेवड़ा क्षेत्र के 3 पुल टूट गए, लाज का पुल टूटा था, उसके अलावा रतनगढ़ का भी पुल टूटा था, संतकुआ का पुल भी टूटा था। उन 3 पुलों के निर्माण के लिए हमने विधायक घनश्याम सिंह जी को भी कहा था कि उनको विधानसभा में ये सवाल उठाना चाहिए, उठाया नहीं, उठाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें पता नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं, पत्र भी लिखा उनको।
लेकिन 6 तारीख हम लोगों ने तय की है, अगली 6 तारीख को अप्रैल मई होगा ना, 6 मई को हम सेवड़ा के एसडीएम की तालाबंदी करके बैठेंगे। कल आज ही मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कलेक्टर को, और अभी उनके पास समय होगा 15 से 20 दिन का, कोई ठोस कदम उठा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हजारों किसानों को इकट्ठा करके सेवड़ा के एसडीएम की तालाबंदी करके बैठेंगे और वहाँ के तीनों पुलों का निर्माण कराने का काम हम सब साथी करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम पूरे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल हमारे साथी सेवड़ा पहुंच रहे हैं, 5-6 गांव बर्बाद हो गए हैं, उनकी फसलों में आग लग गई, लगभग 2000 बीघा वहाँ की फसल जल के नष्ट हो चुकी है, और सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं है, किसानों को भरोसा नहीं है, तो हम जा रहे हैं, अगर हमें ठीक समझ में आया कि प्रशासन का रवैया तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन आज। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।